जय जलनाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तौहित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना से सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्त को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माझते ही तौ बल माथा, कर बरूथ महो मृगपत जाथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रनु बांकुरे वीर अति बाके। जिसने भी सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे कि हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तह कहते पुनि पुनि नर कहो, मुधा मान ममता मद बहाओ। आहा कंत कृत राम विरोधा, काल विवश बन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थी मान ममता और मद को बोझ को ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गही काहु न मारा, हरहि धर्म बल बुद्ध बिचारा। निकट काल जही आवत साई, ते भ्रम हो ये तुम्हार ही नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता। हे स्वामी, जिसका काल समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुईसुत मरे दहोपुर, अजह पूरा पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भज, नाथ विमल जस लेहु। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारे वचन सुन बिसख समाना, असभा गयो उठे होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाढ़ के समान वचन सुनकर जब वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आय चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहस कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया, उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के सत कृपाल श्री राम जी हंसकर बोले, बाल इतने कौतुक अति मोही, तात सत्य कहो पूछो तो ही। रावण जात धान कुल टीका, भुजबुल अतलु जासु जगली का। हे बाल के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। तास मुकुट तुम चार चलाए, कहे तात कौनी विध पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न हो ये भूप न गुण चारी। उसके चार मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वो मुकुट नहीं है, वे तो राजा के चार गुण हैं। साम दान अरु दंड विभेदा, निप उर बसहि नाथ कहे बेदा। नीत धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जान पाहि आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद, ये चारों के हृदय में, राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीत धर्म के चार सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, इसलिए मैं जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं।
धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश दस शीस तेहि परिहर गुण आए सुनहु कोसलाधीश। दशा शीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार, समाचार पुने सब कहे गढ़ के बाल कुमार। अंगद के परम चतुरता पूर्ण युक्ति कानों से सुनकर उदास से रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाल पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे।